मैं अब और नहीं रुक सकती। जान एक सेकेंड मॉम। हेलो मॉम। हेलो सैनम, घर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम, वो मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, वो एक बिजनेस डिनर पर बुलाया है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। घर आ जाओ ना, अच्छा सा डिनर खिलाऊंगी, जल्दी घर आओ। मॉम क्या हुआ? देखो जान ना तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है और वो तुमसे शादी नहीं करने वाला है, ऐसा मैगजीन में लिखा हुआ है। मॉम कोई बात नहीं है, ऐसे इंटरव्यूज पे कभी पर्सनल लाइफ के बारे में सच नहीं बताते। मैं आपको घर आकर सब एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब मुझे जाना होगा डिनर। मैंने कहो ना, लेट मत हो ना। क्या हुआ डार्लिंग, कोई प्रॉब्लम है? वो मॉम ने आपका मैगजीन वाला इंटरव्यू पढ़ा इसीलिए। ओह, वो इंटरव्यू पढ़ा है। देखो तुम जानती हो मुझे वो मजबूरी में बोलना पड़ा। आई अंडरस्टैंड, आपको मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो तुम अपनी मॉम से इस बारे में बात करके सॉल्व कर लोगी ना? हाँ करूंगी। चले अब? हाँ चलिए। मैं अभी ऑफिस से निकल रही हूँ। हाँ ठीक है, सी यू। लैला, हम बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते मिस्टर एमरे। लैला प्लीज डोंट डू दिस टू मी। क्यों ना करूं मिस्टर एमरे, मुझे गुस्सा आ रहा है। लैला ये मत करो, लैला ऐसा मत बोलो। मुझे लगता है वर्किंग आवर्स के बाद हम कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं, सो प्लीज ऑफिस के बाहर मुझसे आप मिलना बंद करिए। लैला, ये कार कहाँ से लाए तुम? ये कार ही तो मुझे तुम्हें दिखाना था, यही सरप्राइज है। हाँ, बैठो ना। ये तो सरप्राइज था, बैठो, बैठो। बहुत अच्छी है। कोई और निहात को बताए इससे पहले मुझे बताना होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मैंने सुना। क्या हुआ? मैं भी चार लोगों से बातें करता हूँ। क्या सुना तुमने? शर्म नहीं आई मुझसे छुपाते हुए? ये गुनाह है, तुम क्यों ऐसी चीजें छुपाते आ रही हो? मैं तुम्हें बताने वाली थी पर मुझे डर लग रहा था। बेशर्म है वो लोग, बदतमीज है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। निहात कसम से मैं तुम्हें बताने वाली थी पर। तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या होगा? मैं विकवे। पर मुझे इस बारे में पहले नहीं पता था ना। मैं पागल हूँ? तुम्हें लगता है कि मुझसे छुपा कर रखोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? नहीं निहात, ऐसी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें पुलिस में जाकर वो कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए। पनिशमेंट मिलेगी ना तो सीधे हो जाएंगे, देखना। हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ मैं वही करूँगा, वो लोग वही डिजर्व करते हैं। अरे जवान लोगों से गलती हो जाती है। जवान लोग, क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी तरफ देखकर मुझ पर हंस रहे थे। मैंने मुश्किल से रोका मेवके में, नहीं तो नालायक को मारने वाला था। क्या वो तुम्हारे पास आया था? नहीं मैं गया था उस तक, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। सच में? हाँ। ऐसा हुआ? वो मुझ पर हंस रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका मेवके में, वरना उसका गला दबा देता। हो सकता है वो डर गया हो इसलिए हंस रहा हो, ऐसा ही कुछ हुआ। बिल्कुल वो डर गए थे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा, तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? किस बारे में मतलब शुगर क्यूब्स के बारे में, इसकी कीमतें डबल कर दी उन्होंने, अब क्या करें बताओ तुम ही। क्या? हाँ, उस आदमी ने अपने रेपो में बहुत सारी शुगर जमा कर रखी, अब सारी शुगर डबल कीमत पर बेच रहे, ऊपर से कहता है 20% डिस्काउंट दूंगा तुम्हें, बताओ। ये सब शुगर क्यूब की बात कर रहे थे? और नहीं तो क्या मेवे के भाई, ये कीमत मुझे हरगिज मंजूर नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ गया और ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। तुम किसे सपोर्ट कर रही हो? हम लोग छोटे रिटेलर्स हैं, हम क्या करेंगे बताओ। कोई सुझाव है? जाने दो, घर चलकर सब भूल जाओगे तुम, जाने दो। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन मुझे देर हो जाएगी, मुझे इन्वेंटरी बनानी है ना। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं
मैं घर जाती हूँ और तुम्हारा मनपसंद खाना बनाऊंगी। तुम ज्यादा परेशान मत होना। मैं अपने लिमिट में हूँ। सिर्फ शुगर की कीमत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं भी कभी हर बार इस्तांबुल आने के बाद मुझे नए रेस्टोरेंट में आने का मौका मिलता ही है। हाँ, ये वाला भी अभी अभी बना है। यहाँ के शेफ पहले ही 5-स्टार होटल में काम कर चुके हैं। ठीक है, फिर मिस्टर जान आने के बाद जल्दी से ऑर्डर प्लेस करते हैं। मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। ओ, वो आ गए। ये क्यों आ गई? हेलो, सॉरी, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। ओ नहीं नहीं, हम भी बस अभी अभी आए हैं, सो डोंट वरी। हेलो, हाय जान। ये अच्छा हुआ कि प्रेजेंटेशन की सक्सेसफुल अनाउंसर भी आज हमारे साथ है। वेलकम, प्लीज हैव अ सीट, बैठ जाइए, बैठिए ना। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो सनम न सिर्फ एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर है, पर वो मेरी गर्लफ्रेंड भी है। उसने इस कैंपेन में जी जान लगा दी है और आगे भी इस कैंपेन को वही संभालेगी, तो इसलिए मैं आप सबसे मिलवाने लाया। अब जान, आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, मतलब आप में कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। वैसे वो कैंपेन लाजवाब थी। Well, मैं इसका क्रेडिट पूरी टीम को दूंगी, सब मेहनत कर रहे हैं। जी सही कहा। ओ एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू एर्डिन एर्सोय, ये टर्की में हमारे ब्रांड कंपास के रिप्रेजेंटेटिव। हेलो, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। बातें तो होती रहेंगी, खाने के लिए कुछ मंगाया जाए? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, फिर मैं जल्दी से मेन्यू मंगाता हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो मिस्टर फाब्री। हेलो सर, वेलकम। क्या हुआ, क्या हुआ? ये ब्रिज से ये लाइट यहाँ से कितनी खूबसूरत लग रही है ना उस्मान, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। मेरे लिए ब्राइट और ब्यूटीफुल तुम हो उस्मान। लैला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं थी, पर तुम तो मेरी फीलिंग्स को जानती हो। मुझे प्यार का असली मतलब तुमने सिखाया। बस मुझे हमेशा यही लगता रहा कि मैं तुम्हें कभी भी डिजर्व नहीं करता। नहीं नहीं, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो उस्मान? वही तो, अब मैं बदल चुका हूँ। मैंने सब कुछ बदल दिया, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, तुम्हारे लिए मेरा प्यार। लैला, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे दुखी नहीं देख सकता हूँ। एमरे की वजह से तुम दुखी होती हो, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम भी मुझे प्यार करो। लैला, प्यार फोर्सफुली नहीं होता, और मैं नहीं चाहता कि तुम जबरदस्ती मुझसे प्यार करो, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, वो भी जिंदगी भर। मेरी लाइफ में तुम बहुत मायने रखती हो लैला, तो बताओ क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो या नहीं? उस्मान, ठीक है, अभी जवाब मत दो, इस बारे में आराम से सोचो, हमारे रिश्ते को एक अलग नजरिए से देखो। हम घर चल सकते हैं, काफी देर हो गई है उस्मान। ओके। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैकिनन, आपको खाना पसंद आया ना? हाँ, मुझे खाना तो बहुत पसंद आया, पर बस मुझे एक चीज है जो बहुत परेशान किए जा रही है। क्या हुआ? एंजो फाब्री उस टेबल पर बैठा है, हमारे उसके साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बहुत ही शातिर आदमी है वो। कुछ वक्त के लिए वो हमारे साथ काम कर रहा था, हमारे लिए कुछ अच्छे परफ्यूम्स बनाने वाला था। फिर हमें पता चला कि उसने वही परफ्यूम का फॉर्मूला
किसी और कंपनी को भी बेच दिया है। हम बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए थे। उस वक्त हमें मार्केट से हमारी प्रोडक्ट लाइन भी हटानी पड़ी थी। और फिर हमें पता चला कि उसकी कंपनी एनिमल्स के ऊपर परफ्यूम एक्सपेरिमेंट कर रही थी। हम काफी प्रॉब्लम में फंस गए थे, इसलिए वी ब्रोक द पार्टनरशिप। ऑफ कोर्स हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा। उसके साथ बिजनेस करना छोड़ो, उसके साथ एक जगह पर बैठने को भी घिन आती है हमें। एनीवे लेट्स कट दिस कन्वर्सेशन नाउ। उस आदमी ने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया था, पर इस शाम को वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर पाएगा। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा मिस्टर शान। सो लेट्स रेज अ टोस्ट, एक अच्छी पार्टनरशिप के नाम और एक अच्छी शाम के नाम। मुझे एक ब्रेड का पैकेट ले लेना चाहिए था। मेरे पास है, मुझसे ले लेना। थैंक यू सो मच। अरे बधाई हो निहाद भाई। इस चीज के लिए? हमने सुना सनम और मिस्टर जान की शादी हो रही है। हम जरूर आएंगे उन्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए। हमने सुना है। जी हाँ, भगवान उन्हें खुश रखे। पर हमने मैगजीन में तो पढ़ा था कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं। ये सच है क्या? आप क्या बोल रही है? किसकी शादी? कौन सी मैगजीन? ओह, मुझे लगता है मेरकी बे ने आपको बताया नहीं। नहीं, शांत रहो शांत रहो, कुछ भी बोलना मत। नहीं बेचारे निहाद भाई, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। मेस्की बे सिर्फ नाम की प्रेसिडेंट है, कुछ संभालने नहीं आता उसे। गुड इवनिंग। अरे तुमने तो मुझे डरा दिया निहाद, क्या करते हो? मैं तुम्हें फिर से एक बार पूछता हूँ, मुझे बोलो ना क्या हुआ? देना। सब कह रहे हैं शान और सनम की शादी होने वाली है, क्या मतलब है इसका? तुम्हें बताया था सनम ने? बताया था तुम्हें सनम ने इसके बारे में? हाँ निहाद। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो दोनों शादी तो नहीं कर रहे हैं? शादी के दिन मुझे न्योता भेज देती ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होना मैं उनके लिए। पर वो दोनों शादी तो नहीं कर रहे ना? वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मोहल्ले में गॉसिप हो रही है। वाह वाह, क्या बात है। मेरे बच्चे की जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे मोहल्ले वालों से पता चलता है, सुनाकर मुझे मुबारकबाद दी गई है। क्या बाप हूँ, घटिया बाप। मैं अब बकवास बंद करूँ। मैं विकबे कब बताने वाली थी? जब उनकी शादी तय हो जाती तब मुझे न्योता भेज देते, उतना ही बचा था ना अब मेरे लिए। निहाद मैं बताने वाली थी पर मुझे मौका नहीं मिला। अब नहीं मिला? मोहल्ले के प्रेसिडेंट बनने के बाद तुमने मेरे और परिवार की तरफ देखा ही नहीं। पर मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे जाने का हक नहीं था। मैं विकबे पर तुमने अपने बच्चों को नजरअंदाज किया, हमारी बच्ची हाथ से निकल गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। मैंने कभी तुम लोगों को किसी चीज के लिए नहीं रोका है, पर इतनी बड़ी बात मुझे मोहल्ले से पता चल रही है। मैं कौन हूँ? मैं उनका बाबा, तुम्हारा हस्बैंड? कौन हूँ मैं विकबे? अरे मुझे इतना दुख तो तभी नहीं होता अगर मुझे बिना बताए शादी कर लेती मैं विकबे, पर ऐसे 100 लोगों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तुम सबने मेरी धज्जियां उड़ा दी। मैं तुम्हें बताने वाली थी पर मैं बहुत डरी हुई थी। अब मत डरो, जाओ जाकर मोहल्ले वालों से कह दो। क्या कह दूं? निहत चला गया। निहत ओ, वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब हमें चलना चाहिए, कल मुझे मेरे जापानीज पार्टनर्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। जान, मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों इस प्रोजेक्ट पर साथ में काम करेंगे। मी टू, थैंक यू वेरी मच। मिस सनम, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। मिस्टर जान, हमें आप पर पूरा भरोसा है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। आप नहीं जा रही? इतनी जल्दी नहीं। वेल जॉन, बोलो जी। फैब्रिक के फिक्री हारिका में अभी भी कुछ शेफ हैं। अनफॉर्चुनेटली। पर मैकिनन को अगर ये पता चलेगा तो वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। हाँ शायद, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमें ऑफ कोर्स पता नहीं था कि उनकी इतनी गहरी दुश्मनी होगी। तो अब आप क्या करेंगे? मैं कल जाकर फैब्री से मिलूंगा, उसे शेयर्स लौटाने के लिए कन्विंस करूंगा, फिर देखते हैं। आई होप एवरीथिंग गोज वेल। हो जाएगा। एंड बाय द वे जेदा, थैंक यू, तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। माय प्लेजर। आई होप सब ठीक हो जाए, क्योंकि आपकी कंपनी के लिए ये बहुत ही अच्छा चांस है। हाँ, आई थिंक आप लोग यहीं बैठेंगे। हाँ, हमने डिसाइड किया है कि हम यहीं बैठेंगे।
ठीक है तो फिर मैं निकलती हूँ। ऑलराइट, गुड नाइट। सी यू माय डियर जॉन। हमेशा ऐसे ही करती है, लोमड़ी कहेगी। जॉन आई एम सॉरी, पर अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ? सॉरी किसलिए बोल रही हो? फैब्रिक के बारे में और मेरा परफ्यूम। सनम, फैब्रिक के बारे में बात नहीं करते हैं ना। नो फैब्रिक प्लीज, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। पर वर्क कुछ नहीं सनम, मैंने कहा ना फैब्रिक का सब्जेक्ट आज नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। ओके, वैसे भी मैंने हम दोनों के लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान किया है, तो फैब्रिक का नाम लेकर उसे खराब मत करो प्लीज, अननेसेसरी मूड खराब नहीं करते ना। ओके, लेकिन कैसा प्लान? सरप्राइज है, आ जाओ। नहीं सरप्राइज, आ जाओ, कुछ तो बताइए ना। सरप्राइज है लेकिन कुछ तो बताइए ना जान, हम जा रहे हैं। सरप्राइज है, बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा? नहीं प्लीज बताइए ना जान। बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है ना। सॉरी, मॉम का कॉल आ रहा है। हाँ ऑफ कोर्स, फोन तो आना ही था। हेलो मॉम। सनम कहाँ हो तुम? आपको बताया था ना मॉम, मैं बिजनेस डिनर के लिए बाहर हूँ। आपकी आवाज ऐसी क्यों है मॉम? पापा चले गए। कहाँ चले गए मॉम? वो घर घर छोड़ के चले गए। ऐसे कैसे? आप दोनों का झगड़ा हुआ क्या मॉम? आए सुन हर जगह गॉसिप कर रही थी, मैंने मेली हाँ को बताया और उसने जाकर सब आयसुन को बता दिया। तुम्हारे पापा को आयसुन ने बता दिया और वो मुझसे बहुत नाराज हुए और मुझे कहना कुछ सुनाया और घर छोड़कर चले गए। इसमें मेरी गलती है मॉम। ठीक है मैं आती हूँ, डोंट वरी मॉम। क्या हुआ जान? डैड को हमारे बारे में पता चल गया और वो मॉम पर गुस्सा होकर घर छोड़कर चले गए। मुझे जाना होगा। ओके ठीक है। एंड योर सरप्राइज, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बाद में दे दूंगा। मॉम, 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 क्या आपको, आप रो क्यों रही हैं? पापा को सैनम और जान के बारे में पता लग गया और वो घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर चले गए? हाँ चले गए, और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अरे मॉम, वो कहाँ जाएंगे? बस मोहल्ले में राउंड मारकर फिर से घर आ जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं जानती हूँ, मुझे पता है हम कितने सालों से साथ में हैं, पर आज तुम्हारी वजह से मुझे मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा, मोहल्ले में बदनामी हो रही है। मॉम आप हमें क्यों ब्लेम कर रही हैं? ये मोहल्ला ही चुगली खोरों का है। मोहल्ला जैसा था वैसा ही है, तुम्हें तो बचपन से पता है ना यहाँ सारे चुगली करते हैं। सैनम को देखो, देखो अभी तक घर नहीं आई है ये। मॉम, मॉम, मैंने दरवाजे पर उनके जूते देखे, मैं जानती थी कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना। क्या पापा तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पर? अपने स्लीपर पहन कर घर से चले गए वो। याद कहो तुम, जल्दी घर आ जाओ, क्या करूं मैं? मॉम प्लीज रोही मत। नियाद, नियाद जल्दी घर आ जाओ। हेलो, वेलकम होम भाई। ए एम रे, व्हाट्स अप? आज जल्दी घर आ गए? काम जल्दी हो गया क्या? कुछ नहीं, जैसा प्लान किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या हो गया? तुम डिनर पर गए थे ना, सब ठीक नहीं रहा क्या? नहीं, वैसे तो हमने मैकिनन से जो कैंपेन के बारे में बात करनी है वो तो कर ली। हाँ, पर हम बैठे थे तब वहाँ फैब्री आ गया। मैकिनन ने उसके साथ काम किया है और वो दोनों दुश्मन है, उनका केस तो कोर्ट तक गया है। ये क्या बोल रहे हो भाई? फैब्री ने तुम्हें देखा? नहीं देखा। अरे रे, मैकिनन को पता होगा कि फैब्री हमारा पार्टनर है। नहीं, उसे इस बात का जरा भी आइडिया नहीं है कि फैब्री हमारी कंपनी का हिस्सा है। एक बात तो साफ है, उसे फैब्री बिल्कुल नहीं पसंद। भाई अगर उसे पता ही ना चले तो? पता चलेगा, और पता चलने के बाद भी हम क्या कर लेंगे? हम उस आदमी के पार्टनर है जिन्हें वो हेट करते हैं, और फिर वो बहुत अनएथिकल बिहेवियर हो जाएगा। हाँ भाई, पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। क्या करें क्या हम? मैं जाकर फैब्री से बात करता हूँ, और कोई चारा नहीं है। मुझे उससे शेयर्स लेने होंगे वरना ये कैंपेन हमारे हाथ से जाएगा। बैड लक। आइलैंड कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है, तुम फ्री हो? ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ।
भाई मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ओके। हाँ हाँ ऐसे ही बांधो। निहाद कहाँ हो? ओ निहाद कहाँ चले गए? डैड मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। क्यों उठाएंगे वो फोन? उन्हें कितना बुरा लग रहा है पता है तुम्हें? ये सब मेरी वजह से हुआ है, आप खुद को ब्लेम मत करो, ये मेरी गलती है। नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। तुमने अपने बॉसेस से प्यार किया, उनके पीछे पीछे घूमती रही और मोहल्ले में हमारी बदनामी हो रही है। मॉम जान अच्छे इंसान है, मैंने कहा ना वो हमारे रिलेशन को लेकर सीरियस है। अगर इतना ही सीरियस होता तो यहाँ पर आकर शादी का हाथ मांगता, ऐसे दर दर भटक कर सबको इंटरव्यू में नहीं कहता कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मॉम जब उन्होंने वो इंटरव्यू दिया तो हम रिलेशन में नहीं थे, तो वो इंटरव्यू हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। हाय मेरा सिर, ओ गॉड बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हम उससे सहन नहीं हो रहा है, मुझे अपने रूम में ले जाओ। आइए मॉम, आराम से मेरा फोन मुझे दे दो, मेरी मदद कर दो, तुम्हारे पापा पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ रात गुजारेंगे, मैं क्या करूँ उनके बिना, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ठीक है मॉम हम यही बैठते हैं। निहाद तुम कहाँ चले गए, मैं क्या करूं? निकम्मा बाबू में बहुत ही निकम्मा। बेवकूफ बनाया। वहां फाबरी भी था, उसे देखकर सब सरप्राइज हुए। ओह माय गॉड क्या बोल रही हो तुम, जरा लाइफ में कुछ अच्छा काम हुआ नहीं, ये फैब्री काम बिगाड़ने के लिए आ जाता है। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, जान को भी बुरा लगा, मुझे तो परफ्यूम उसे देना है लेकिन जान नहीं मानेंगे। मैं समझ सकती हूँ सनी, उन्हें फैब्री से कल बात करने दो। ओके ठीक है। डैड आप कहाँ हो यार? उस्मान ने नई कार ली है। और बाय द वे वो अब कास्ट हो चुका है, वो ऑफिशियली अब ये काम कर रहा है, आज वो मुझे ऑफिस आया था सरप्राइज देने के लिए। अच्छी बात है। और उसके बाद हम लोग टूर पर गए, हम साथ में बैठे थे कि सडनली उसने मुझे आई लव यू कहा। क्या कह रही हो? इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, मैंने सोचा आज तुम्हें बता देती हूँ। उसने आज अपने दिल की बात मेरे सामने खुले आम बोल दी सनीम। ठीक है फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, कुछ नहीं, उस्मान मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैं कुछ नहीं बोल पाई, और वैसे भी आई स्टिल लव एम्ब्रे। देखो लाला उस्मान अच्छा लड़का है, वो सालों से तुम्हारे प्यार में है, क्या तुम तुम्हारे दिल में एम्रे की जगह उस्मान को दे पाओगी? नहीं कभी नहीं, एक तो डैड मिसिंग है और हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। कहाँ गए होंगे, इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। I can't believe this एम्रे, तुम्हें पूरे शहर में वही क्लाइंट मिला जो फैब्रिक का दुश्मन है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। सॉरी बट इट्स फनी एम्रे, मुझे बहुत हंसी आ रही है। जिस क्लाइंट को तुम्हारे साथ काम करना है वो फैब्रिक का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। आइलैंड मैंने कहा ना
ये कैंपेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैं क्या करूँ एमरे? जिस कंपनी में मुझे एंट्री तक नहीं मिलती, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं बताओ? प्रॉफिट तो तुम भी कमाओगी ना। फैब्री को मेरे शेयर देना वो स्टुपिडिटी, और इस सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा गुस्सा और एम्बिशन था। पर अब जो होगा वो ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना मेरे लिए। एक्चुअली मेरे लिए तो डील अमेजिंग थी, लैला और तुम में ब्रेकअप हो गया। एनीवे रात गई बात गई, पर हाँ मेरे फायदे के लिए मैं एक चीज कर सकती हूँ, फैब्री से बात करके उसे शेयर लौटाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है, तुम बात करो, तुम जो कर सकती हो वो करो, अगर ऐसा हो गया तो इसमें हम दोनों का फायदा है। ऑलराइट, मैं उससे बात करती हूँ, डोंट वरी। मिस्टर फैब्री, आई नो काफी देर हो चुकी है, पर क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे कुछ बहुत जरूरी डिस्कशन करना है। गुड मॉर्निंग डैड। आपने शॉप अभी तक नहीं खोली? ये मैं आपके जूते लाई हूँ। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। डैड मुझे पता है आप मुझसे नाराज है और आपके दिल को ठेस पहुंची है। ये बातें मोहल्ले में फैलने से पहले मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं डर गई थी। I'm sorry, पर आप मॉम पर गुस्सा मत होना, वो तो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। डैड प्लीज मुझसे कुछ बात करिए, गुस्सा कीजिए, चिल्लाइए, पर कुछ तो बोलिए। I'm sorry डैड, मुझसे गलती हो गई। गलती मुझसे हुई है। खैर अब वक्त बर्बाद मत करो, ऑफिस चली जाओ। मॉर्निंग, व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग, आओ साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं थैंक्स, मुझे अर्जेंटली जाकर फैब्री से बात करनी है, ये प्रॉब्लम खत्म करनी होगी। ओह चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम अकेले मत जा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ भाई। नहीं मुझे ये प्रॉब्लम अकेले सॉल्व करने दो। नहीं वो तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। नहीं नहीं यू डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, बाहर ठंड है थोड़ा ध्यान से। अच्छा ठीक है, टेक केयर भाई।
हाँ अमरे, बोलो। तुमने फाबरी से बात किया है? क्या वो शेयर्स देने के लिए रेडी है? हाँ, मैंने उससे बात की, उसे 800,000 डॉलर चाहिए। चलो अच्छा है, भाई अभी निकले हैं, बॉसी से मिलने जा रहे हैं। ऑलराइट देन, डोंट वरी। चांद दिवित आ रहा है। वेरी गुड, आने दो उसे, आने दो। सनी, लैला, डैड घर आ गए क्या? नहीं, मैं उनसे मिलने गई थी। डैड कल रात से घर नहीं आए, पूरी रात शॉप में सोए थे। ओह थैंक गॉड, हमें भी शॉप में चेक कर लेना चाहिए था। तुम्हें देखकर कुछ कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा लैला, मैंने माफी मांगी बट ही डिडंट केयर, उन्हें बहुत ठेस पहुंची है। नॉर्मल बात है ये सनी, वो तुमसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। फिक्र मत करो सनी, सब ठीक हो जाएगा। पापा घर नहीं आए ना? मॉम फिक्र मत करिए, सनीम ग्रोसरी स्टोर गई थी, वो वहीं पर हैं। उन्होंने बात भी नहीं की मुझसे। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगी। मिस्टर फैब्री से मिलना है और मैं जानता हूँ वो यही है, सो झूठ मत बोलना। हेलो मिस्टर शान, कैसे हो? प्लीज मेरे रूम में चलिए। मिस्टर शान, आपको कुछ काम था मुझसे या ऐसे ही मिलने का मन किया? मुझे मेरे कंपनी के शेयर्स वापस दे दो, हम दोनों पार्टनर्स की तरह काम नहीं कर सकते, यू नो दिस वेरी वेल। तो जो भी अमाउंट चाहिए वो बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। अनफॉर्चुनेटली उन शेयर्स का और पैसों का कोई लेना देना नहीं। शेयर्स तो तुमने पैसे देकर ही खरीदे थे ना, वैसे अब मैं तुमसे खरीदूंगा। देखो मिस्टर शैन, मैंने वो शेयर्स मिस सेनम के परफ्यूम के बदले में दिए थे। सनम मेरी गर्लफ्रेंड है, हम शादी करने वाले, वो उसका परफ्यूम तुम्हें नहीं देगी। विल सी। वैसे वो परफ्यूम कभी छिप नहीं सकता, जादू है उसमें, मैग्निफिसेंट है। और सिनेम तुम्हारे साथ है पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा तूने? मिस्टर फैब्री, आप ठीक तो है ना? नो प्रॉब्लम। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो करना कर, समझा? आइस लेकर आओ, आइस ले आओ। फैब्री, आर यू ओके? उसने मेरी नाक फोड़ दी, काफी खून बह रहा है, देखा? लेट मी चेक। नहीं फैब्री, नाक टूटी तो नहीं है। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आइलिन। डोंट वरी फैब्री, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। हमने जैसे प्लान किया था वैसे ही होगा, अब से हमारे रास्ते में जान नहीं आ पाएगा। तुमने डॉक्टर को बुलाया या नहीं? हाँ आ रही है सर। सुपर्ब। फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ गए हैं। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है सनी। मिस्टर एमरे, मैंने जान को कॉल करने की कोशिश की पर वो फोन नहीं उठा। वो फैब्री से मिलने गए, डोंट वरी, वो जल्दी आ जाएंगे। आई होप वो फिर से शेयर्स ले लें। आ गए। भाई सब कैसा रहा, कुछ गड़बड़ हुई क्या भाई?
भाई तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वॉज इट सो बैड? वो पागल है, शेयर्स देने के लिए तैयार ही नहीं। कितना समझाने की कोशिश की मैंने, ऐसे नहीं होगा, हमें कोई और रास्ता ढूंढना ही होगा। तुमने उसे कुछ किया तो नहीं ना? किया ना, नाक तोड़ दी मैंने उसकी। वो सनम के परफ्यूम से ऑब्सेस्ड है, उसे पता है ये मेरा वीक पॉइंट है। मैंने तुम्हें जो बोलने के लिए कहा था वो कहा या नहीं? मुझे वो कैंपेन भी नहीं चाहिए और शेयर्स भी नहीं। मैकिनन को मैं कल कॉल करूंगा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूंगा। पर ये क्लाइंट बहुत बड़ा है, फैब्रिक को जो चाहिए वो दे देते हैं। सनम, मैं कह चुका हूँ। पर जान सनम, मुझे फिलहाल बहुत गुस्सा आ रहा है, तो प्लीज शांत हो जाओ, मुझसे बहस मत करो। ओके भाई, काम डाउन, ट्राई टू स्टे काम एंड सेंसिबल प्लीज। काम और सेंसिबल? वो आदमी मेरे सामने भी आया ना, मैं उसकी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। जान, जान क्या हुआ आपको? कल रात डिनर पे हमें ये पता चला कि मैकिनन और फैब्रिक के बीच बड़ी दुश्मनी है, इसलिए भाई फैब्रिक के शेयर्स वापस लेने गए थे। I can't believe it. Of course, वो हमें शेयर्स नहीं देगा। इस कंपनी में क्या हो रहा है, कोई आकर मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं करता? जो हुआ अभी हुआ डेरिन। वेल, इस सर्कमस्टेंसेस में कैंपेन को लाइव लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। उफ, ये फैब्रिक नाम की प्रॉब्लम यहाँ कैसे आई? डेरिन, दैट्स एनफ, अब कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेगा प्लीज। चाहे फैब्रिक चाहे मैकिनन हो, मैं मैकिनन को कल कॉल करके समझाऊंगा कि यही पार्टनरशिप हम आगे नहीं ले जा सकते। भाई अगर तुम चाहो तो मैं फैब्रिक से बात करूं। नहीं नहीं, अब उस इंसान से कोई भी बात नहीं करेगा, समझे? मैं कोई नया सलूशन ढूंढता हूं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं अभी जा रहा हूं, मैं बहुत गुस्से में हूं, थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए। मिस्टर जान, मैं आती हूं आपके साथ। जान डेविट यहाँ है? यस सर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। नहीं, हम ढूंढ लेंगे। मिस्टर जान, हाँ मिस्टर जान, आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा।